यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बीजेपी जिला यमुनानगर ने कोविड 19 मरीजों व उनके सहयोगियों के लिए कल 16 मई से शुरू करेगी कोविड 19 सेवा रसोई निःशुल्क भोजन की सुविधा। विधायक यमुनानगर घनश्याम दास अरोड़ा को अम्बाला का प्रभारी भी बनाया गया है। उन्होंने कहा, भाजपा यमुनानगर द्वारा कोरोना से संक्रमित व्यक्ति व उसके सहयोगी की सहायता हेतु सेवा रसोई की शुरुआत की गई है। इसके लिए जिला स्तर पर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। सुबह 8 से 10 बजे तक पेशेंट या उसके सहयोगी फोन के माध्यम से खाने के लिए अपनी जरूरत अनुसार फोन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे तक उन तक खाना पहुंचाया जाएगा। जिला स्तर पर जितने भी कोविड सेंटर हैं उनमें रोगियों की संख्या को चिन्हित किया गया है। वह कल 16 मई 2021 से इस सेवा रसोई की शुरुआत होगी। इस सेवा रसोई द्वारा सुबह व शाम दो समय भोजन की आपूर्ति की जाएगी। ऑक्सीजन व इंजेक्शन सहित अन्य सुविधाओं के बारे में सब सुचारू हो, इसके लिए सरकार व जिला प्रशासन ने इन सेवाओं की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली ताकि संक्रमित व्यक्ति तक इनकी सप्लाई सुचारू हो। वहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी अहम कदम उठाए गए। जिस भी हॉस्पिटल में इसकी ज़रूरत होती है वहां से डॉक्टर द्वारा व्हाट्सएप व मेल के माध्यम से सरकार व जिला सिविल सर्जन तक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, जिसके बाद संबंधित व्यक्ति तक हॉस्पिटल के माध्यम से इंजेक्शन की आपूर्ति की जाती है। वहीं उन्होंने कहा, ऑक्सीजन की सप्लाई जिला यमुनानगर में संतोषजनक है व जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से सप्लाई सुचारू की जा रही है। इसमें समाज में कई संस्थाएँ, सरकारी कर्मचारी व वॉलंटियर भी सहयोग कर रहे हैं। वहीं जिले में बेड की स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा, कुल बेड 1047, पेशेंट एडमिट 650 हैं। यूपी, दिल्ली व अन्य राज्यों के 160 मरीज इंडोर एडमिट हैं, जो कि कुल एडमिट पेशेंट का 1/4 यानी कि 24.62% है। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा, सारी सेवाएं सुचारू हों इसलिए सभी को स्वास्थ्य सेवाओं सहित अन्य सेवाओं को विशेष देखरेख में अपने हाथ में लिया गया है ताकि किसी भी चीज़ की कालाबाजारी ना हो। वह सक्रिय रूप से आश्वस्त किया जा रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हों। इस कार्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं, संस्थाओं, समाज सेवियों और समाज में कई लोगों की मदद भी ली जा रही है। घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा, सरकार बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की योजना बना रही है ताकि कोरोना के कारण किसी की जान ना जाए। हमें संकल्प लेना है, सबको वैक्सीन लगवानी है। भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, विधायक के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता के लिए, उनका सहयोग करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं। अभी आपके यहाँ आने से पहले प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ ने एक वर्चुअल मीटिंग ली है, क्योंकि जो नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त हुए, मुझे भी अम्बाला जिले का प्रभारी बनाया गया है, तो उस नाते माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी जो हमें निर्देश दिए हैं उसके अनुसार कोरोना के से पीड़ित संक्रमित हर व्यक्ति की का सहयोग किया जाए, और वो सहयोग सरकार के द्वारा भी हो रहा है, समाज के द्वारा भी हो रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम सक्रिय रूप से करें, ऐसी योजना संगठन ने दी है। और उसके लिए सेवा रसोई, ये कार्यक्रम हम कल से शुरू करने जा रहे हैं। हमने अपना एक हेल्पलाइन नंबर दिया है, सुबह 8 से 10 बजे तक जो भी पेशेंट रोगी या उसका अटेंडेंट जो उसके साथ है, यदि वो हमें कॉल करके अपनी भोजन के संबंध में रिक्वायरमेंट बताएगा तो हम वो रिक्वायरमेंट उसकी दोपहर को 12 बजे पूरी कर देंगे। और कोई भी पीड़ित व्यक्ति या उसका अटेंडेंट भूखा ना रहे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सारी व्यवस्थाएं जो सामान्य रूप से चलती हैं मार्केट की, उन पर रोक लगी हुई है। तो सेवा रसोई का प्रकल्प हम यमुनानगर जिले में कल से शुरू करने जा रहे हैं। कितने अस्पताल हैं कोविड के, उसमें कितने पेशेंट हैं, रोगी हैं, सारा हमने चिन्हित कर लिया है। और जैसे ही हेल्पलाइन नंबर पर उनकी सूचना आएगी, हम उनको सेवा रसोई के माध्यम से भोजन का सहयोग करेंगे। दोपहर में भी करेंगे, रात में भी करेंगे। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा चिंता इंजेक्शन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में समय समय पर रोगियों के द्वारा और उनके अटेंडेंट्स के द्वारा की गई है। सरकार के प्रयासों से इस सारे सिस्टम को सरकार ने अपने हाथ में लिया, और रेमडेसिविर का इंजेक्शन या अन्य कोई भी दवाई जो है वो दिन में उसकी सूची बनती है,
जो डॉक्टर इलाज कर रहा है वो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से पहले सीएमओ को भेजता था, सीधे स्टेट को भेजता है और सीएमओ के पास उसकी जानकारी आ जाती है और जिनको उसकी आवश्यकता होती है वो इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जाता है। और ऑक्सीजन की स्थिति भी अपने इस ज़िले में कंफर्टेबल है, अर्थात जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ऑक्सीजन हमें दी जा रही है और इसमें समाज के कई अन्य लोग भी सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही कई बार हमारे जिलाध्यक्ष के पास, मेयर साहब के पास ये मांग आती है कि बेड उपलब्ध नहीं है और विशेष रूप से वेंटिलेटर वाला बेड या आईसीयू वाला बेड, तो उसके लिए भी रोज शाम को सीएमओ के माध्यम से एक लिस्ट फ्लैश होती है और हम सब की जानकारी में रहता है और जो भी हमारी हेल्पलाइन है जहाँ जहाँ जितने जितने बेड होते हैं उन रोगियों को बेड उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। और आज जो अपने ज़िले में बेड्स की पोजीशन है, वैसे तो आप पत्रकार बंधु काफ़ी जानकारी रखते हैं और शायद हमसे भी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, क्योंकि आपका समाज के हर व्यक्ति जो सेवा कर रहा है उससे भी और जो सेवा नहीं कर रहा उससे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में संपर्क रहता है। तो अपने ज़िले में कुल बेड 1,045 हैं, पेशेंट एडमिट जो है वो 650 हैं आज की तारीख में, शेष 395 हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ यूपी, दिल्ली और अदर स्टेट्स के 160 पेशेंट इनडोर एडमिट हैं, जो कुल एडमिटेड पेशेंट्स का लगभग 1/4 है, 24.62। यमुनानगर के 690 रोगी एडमिट हैं और नए केस 396 आए हैं, ठीक हुए 346, कुल एक्टिव केस 1976। इसके साथ ही हमारे यहाँ सैंपल जो अब तक लिए गए हैं 297,888 नेगेटिव, 271,463 पॉजिटिव, 19,901 और 2482 जो हैं वो एक्टिव केसेस 1976। और हमारे यहाँ 291 ऐसे रोगी हैं जिनको कोविड के कारण अपना शरीर छोड़ना पड़ा। रिकवरी रेट 88.60, पॉजिटिव रेट 6.68 है। इसके साथ ही अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हर प्रकार का सेवा कार्य अपने हाथ में लिया हुआ है और हम समाज के अन्य सहयोगी संस्थाएं, एनजीओस और लोग उनके साथ भी सहयोग कर रहे हैं और अपने आप पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम सक्रिय रूप से रोगियों का सहयोग करते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। मित्रों, महामारी का समय है, हम और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कोरोना को निश्चित रूप से हमने भारत ने जीतना है, कोरोना को हराना है। वैक्सीनेशन की योजना है और बड़े स्तर पर, मैंने कल भी कई सेंटर को विजिट किया है जहां 200-250 लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाई है। सबसे पहले वरिष्ठ नागरिकों को अवसर दिया गया, फिर 45+ को दिया गया, उसमें समय सीमा निर्धारित की गई और अब उस पहली वैक्सीनेशन और दूसरी वैक्सीनेशन का डॉक्टरों की सलाह पर गैप बढ़ाया गया। निश्चित रूप से 45+ के लोग काफ़ी मात्रा में, चाहे पार्क में लगे, चाहे मंदिर में लगे, चाहे हेल्थ सेंटर में लगे, चाहे CSC में लगे, चाहे PSC में लगे, बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं और निश्चित रूप से जल्दी ही इनके योग्य नेतृत्व में वर्ल्ड टेंडर की भी बात हो रही है, ग्लोबल टेंडर की भी बात हो रही है, उत्पादन बढ़ाने की भी बात हो रही है। ये सारे काम वैक्सीनेशन की गति को तीव्र करने के लिए योजना भी बन रही है, धरातल पर भी उतार रहे हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। इसके प्रति रुचि कम थी, जागरूकता कम थी। आप पत्रकार भाइयों के सहयोग से, TV चैनल्स के सहयोग से कि ये कितनी लाभकारी है और कोरोना से बचने के लिए यही केवल मात्र एक उपाय है, आपने एडवर्टाइज किया और लोगों ने उसको स्वीकार किया, ये आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि लोग आगे आ रहे हैं और सरकार का काम आप आसान कर रहे हैं, सुलभ कर रहे हैं। सबका सहयोग लेकर
जितनी भी इनपुट्स हैं सारी देते हुए कोरोना को हराएंगे और भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जीतेगा, इस विश्वास के साथ मैं आपके लिए।